हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी केयर में। तो चलिए जल्दी से जल्दी आज के धमाकेदार करंट अफेयर न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। नेशनल अफेयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स कमिटी टू इंप्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म किया है टू इंप्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट ऑफिशियली 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। स्टेट अफेयर्स में देखें तो कंट्रीज फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन लॉन्च्ड इन पुणे। नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR ने कंट्री का फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज नागालैंड सेलिब्रेटेड इट्स 58th स्टेटहुड डे ऑन 1st दिसंबर 2020। नागालैंड का स्टेट गवर्नमेंट 1 दिसंबर 2020 को अपना 58th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट टॉपिक रैंकिंग एंड इंडेक्स। नंबर वन में है US एयर क्वालिटी इंडेक्स, पाकिस्तान लाहौर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। US एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का लाहौर वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन गया है, और US एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिस्ट में लाहौर के बाद है न्यू दिल्ली और काठमांडू, जो कि कैपिटल है नेपाल का, रैंक थर्ड पोजीशन यानी कि वो तीसरा पोजीशन पे है। और मीनवाइल कराची, जो कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, वो 7th पोजीशन सिक्योर किया है। अगला कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स। सीनियर IAS ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह डेजिग्नेटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा स्नेहलता श्रीवास्तवा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सीनियर IAS ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को आज एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा अपॉइंट किए हैं। उत्पल कुमार सिंह ने स्नेहलता श्रीवास्तवा जी का पोजीशन ग्रहण किया है। स्नेहलता श्रीवास्तवा जी फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा थी। ऑस्कर विनर AR रहमान रोब्ड इन एज BAFTA ब्रेक थ्रू इंडिया एम्बेसडर। म्यूजिक कंपोजर AR रहमान एज एन एम्बेसडर फॉर BAFTA ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया अपॉइंट किया गया है। बैंकिंग अफेयर्स, ADB अप्रूव्ड $132.8 million टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन मेघालय। मेघालय में द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए $132.8 million लोन को अप्रूव कर दिया है। बुक्स एंड ऑथर्स, ADB पब्लिशेस बुक नेम्ड फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB, जो कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और इसका स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था, इस बैंक ने एक बुक पब्लिश किया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। यूनियन मिनिस्ट्री रिलीजेज बुकलेट नेम्ड PM मोदी एंड इज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद सिक्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री प्रकाश जावेदकर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी ने मिलकर एक बुकलेट को रिलीज किया है जिसका टाइटल है PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद सिक्स। और ये बुक जो है श्री गुरु नानक देव जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन यानी कि 30 नवंबर 2020 के दिन रिलीज किया गया। चलते हैं डिफेंस न्यूज़ की ओर। ब्रह्मोस मिसाइल्स एंटी शिप वर्जन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में इंडिया ने सक्सेसफुली एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। ओबिट्यूरीज में चलते हैं यानी कि
एक टाइप का नोटिस होता है, नोटिस ऑफ डेथ, जो कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में ही आते हैं। फॉर्मर सिनेगल वर्ल्ड कप फुटबॉलर पापा बोउबा डाइज। फॉर्मर सिनेगल मिडफील्डर पापा बोउबा डियोप का आज निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट डेज, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस ईयर जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी का 36th एनिवर्सरी है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 2। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है, और ये डे NIIT इंडियन कंप्यूटर कंपनी के द्वारा अनाउंस किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी December 2। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा स्लेवरी यानी कि गुलामी को स्टॉप करने के लिए द इंटरनेशनल डे 2 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो है 1986 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।